1984 में 11 अगस्त 1984 को आपने ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया था और सबसे ज्यादा टॉप स्कोर रहे थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक मैनेजर, कोच, लेजेंड, सुपरस्टार हसन सरदार साहब, जिन्होंने 1984 में टॉप स्कोरर भी रहे और सबसे ज्यादा 10 गोल किए। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। हसन भाई क्या हाल है, ठीक हैं आप? बिल्कुल लोडी, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र हसन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आपसे तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आप पाकिस्तान की टीम में कब नुमाइंदगी? 1979 में पहली दफा सीनियर टीम के साथ ज्वाइन किया और ये सेंडा वर्ल्ड कप था, ऑस्ट्रेलिया में गए थे पहली दफा। उससे पहले मैं 76 में जूनियर टीम वर्ल्ड कप में पहली दफा जब मैं 79 में ज्वाइन किया, मैंने वर्ल्ड कप 1984 की जीत में आपके कोई यादगार लम्हात यादें? 84 ओलंपिक्स में एक तो पार्टिसिपेट करना ही एक ऑनर की बात, और हम तो फॉर्चुनेटली बड़ी जीते, बड़ी यादें हैं उससे, बड़ी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी के अंदर भी। एक हम एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम ओलंपिक जब जीते हैं तो इसमें हमारी पूरी टीम एक टीम थी अभी तो, और मिसाली जो हमारी जो कॉम्बिनेशन था और उसके साथ साथ जो हमारे आपस में जो जो जोश था, जो जज्बा था पाकिस्तान के लिए, वो एक मिसाली था। और इसी जोश और जज्बे की वजह से और जो हमारे आपस में जो टीम की टीम वर्क था वो बेहतरीन टीम वर्क था। हमारे कोच अकाउद्दीन साहब थे, मैनेजर ब्रिगेडियर आतिफ साहब थे और उन्होंने मुझ पर बड़ी मेहनत की थी जाने से पहले। तो हमने एक टीम फिट हमारी टीम में नजर आती थी जो कि हम एक ओलंपिक से पहले उसमें हमने ये पूरी टीम गई थी टीम की कॉम्बिनेशन है वो भी हमारा बेहतरीन बन गया था ओलंपिक जाने से पहले। ओलंपिक में मंजूर जूनियर हमारे कैप्टन थे और बेहतरीन हमारी फॉरवर्ड लाइन थी, कहीं बोलना थे मैं था हनीफ खान थे चार और आज उसके बाद भी देख कर आए थे, लेकिन इसमें सब बहुत बड़ा हाथ नहीं लंबे थे, उनकी स्पीड अच्छी थी तो वो पैड साथ स्पीड करते थे और स्किट टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी थी। कामयाब तजुर्बा हुआ और वो सारी टीमों के लिए, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया जो कि हम 83 में जीतता रहे और डेविस जो उनका फुलबैक था पेनल्टी कॉर्नर पे, वो हमेशा उसने हम पे दो दो तीन तीन गोल किए, उनको उस वो हमारे ओलंपिक्स में एक भी गोल नहीं कर सका। तो मुइन का डैश जो बहुत जबरदस्त डैश हो चुका था ओलंपिक्स, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी वो और प्लस टीम कॉम्बिनेशन और फिटनेस समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त फिटनेस की थी जिसमें आतिफ साहब का भी बड़ा रोल है, वो आर्मी में भी थे, फिटनेस से भी बहुत जोर देते थे और जकाउद्दीन साहब का साथ साथ मेरे कलीमुल्ला हनीफ खान मंजू जूनियर के साथ फॉरवर्ड लाइन के साथ उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था और उन्होंने बहुत प्रैक्टिस कराई, मेरे हाथों में छाले हो जाते थे, लेकिन फिर साथ साथ ये कहते थे ऐसा अगर आप नहीं करेंगे, 8 करेंगे तब हम टीम हार जाएगी, आप 10 गोल करेंगे तो हम जीते, 10 से कम गोल नहीं चाहता मैं, और अल्लाह करना ये हुआ कि मेरे 10 गोल जो आज तक रिकॉर्ड है, हाई स्कोरर की बात है और इसी में मुझे ज्यादा मैचेस का भी मुझे ज्यादा जहनी तौर पर याद है और मेरे अपने गोल भी मुझे याद है आज तक, क्योंकि एक ही गोल जो है बड़ा कीमती था हमारे लिए, गोल एवरेज पे ही हमने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया, एक गोल से ही हम जीते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मेरा था, तो ये एक ही गोल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे लिए होता चला गया,
फिर जब जर्मनी से हम खेल रहे थे तो उन्होंने पहले लीड ली, फिर मेरे ही गोल से बराबर हुए, तो हम एक्स्ट्रा टाइम में गए, फिर कलीमुल्ला के गोल से हम जीते। तो ये एक ही गोल जो है वो मेरे लिए बड़े अहमियत का हामिल रहा। और जो जका साहब की बात थी कि 10 गोल करोगे तो हम जीतेंगे, वही वक्त हमने 10 गोल किए। अब मैं आज सोचता हूँ कि अगर मेरे 9 गोल भी होते, अगर 9 गोल होते मेरे ऑस्ट्रेलिया एक गोल ना होता तो हम जीतते नहीं, जर्मनी के खिलाफ अगर फाइनल में रहे नहीं। और उससे पहले जो अगर हम एक गोल अगर मेरा किसी में भी फुल मैच में कम होता तो उसमें हम फिर क्वालिफाई नहीं करते पाकिस्तान के लिए और गोल एवरेज नहीं आ पाते। ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके मैं समझता हूँ कि जका साहब की बहुत अच्छी प्लानिंग थी, कोचिंग थी और हमारी मेहनत थी। जो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं हमारे यंग, ये टैलेंट छुपता नहीं है, तो जो जो टैलेंट आपने है, अगर आप में अच्छा टैलेंट है, ये मायूस ना हो कभी जिंदगी में, हर चीज को पॉजिटिव वे में देखें। मैंने अपनी जिंदगी में अगर मेरे 200 के करीब 180 के करीब इंटरनेशनल गोल्स हैं और मेरे ख्याल में 200-300 गोल 400 गोल मेरे डोमेस्टिक में भी होंगे, तो मैंने अगर जो 500-600 अपनी लाइफ में स्कूल से लेके और इंटरनेशनल लेवल तक जो 600-700-800 गोल किए हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि मैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ किए हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो गोल जो बॉल है वो बॉल गोल पोस्ट से बाहर जाएगी। मैंने हर दफ़ा यही सोचा कि ये जितनी भी मैं गोल मार रहा हूँ हिट, वो सब गोल पोस्ट में जाएगी, गोल करूँगा मैं। और सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच है, तो पॉजिटिव अप्रोच आप करेंगे तो यस आपको कामयाबी मिलेगी। और पॉजिटिव अप्रोच ही रखनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, और टैलेंट छुप नहीं सकता, टैलेंट नजर आता है। आप लोग में जो टैलेंटेड होगा वो बच्चा जरूर सामने आएगा। हसन भाई ऐसे है कि 11 अगस्त को आपने 11 अगस्त 1984 को जब आपने विन किया है ओलंपिक्स, पहली बात 2-3 दिन लगे होंगे आपको पाकिस्तान आते हुए, उसके बाद 14 अगस्त था, उसके बाद का आप कोई सिनेरियो कोई वाकया सुना सकते हैं जब आप जनरल जियाउल हक को मिले थे मरहूम को? को वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी वालों ने पाकिस्तान कम्युनिटी को बुलाया था और हमें स्पेशल उन्होंने स्टेज पे बुलाया था। और उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि हमारी टीम, जैसे लोधी आपको पता है कि हम लोग बसों में बैठते हैं तो हम पाकिस्तान के कौमी तराने या पाकिस्तान के कौमी मिली नगमे सुनाते हैं, आपस में गाते हैं, तो वो हमने फिर वहाँ पे जीवे जीवे पाकिस्तान और सोनी धरती अल्लाह रखे, ये सब हमने फिर अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो उनको भी सुनाया हमने, और जिसके हम एक्सपर्ट हो चुके थे उस वक्त तक, और हमने स्टेज पे आके वो सब गाने गाए जो हम एक मैच से पहले या मैच के बाद गाया करते थे। तो वो भी एक जोश और जज्बा था, और जज्बा हमारी टीम में बड़ा था, इसी वजह से हम ये मिली नगमे और जो कौमी नगमे वो भी गाते थे और कौमी तराने भी गाते थे, और ग्राउंड में भी जो है वो सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब हम फाइनल जीते हैं, मैं सोच नहीं सकता था कि अमेरिका जैसी जगह पे पाकिस्तान जितना क्राउडेड पाकिस्तानी हमारे आए थे देखने के लिए मैच, तो जिस वक्त हम गोल्ड मेडल जीत रहे थे उस वक्त हमारा कौमी तराना जो बजाया जा रहा था म्यूजिक, उसमें सब लोग गा रहे थे, पूरा स्टेडियम गा रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान में ही हमने टूर्नामेंट खेल रहे हैं और पाकिस्तान में ही ये टूर्नामेंट जीते। तो ये एक बड़ा खूबसूरत यादें उस तरह से वाबस्ता है। और जनरल ज़िया साहब से पूरी टीम गई थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा सका था कि मैं ओलंपिक खेलने के बाद वहाँ रुक गया था, मेरी बहन थी वहाँ, मेरी मदर थी वहाँ, तो मैं अमेरिका रुक गया था, उसमें नहीं आ सका। फिर मैं आके उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था, फिर मैं बाद में उनको मिलने गया जनरल ज़िया साहब को, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और जनरल ज़िया की बहुत खूबसूरती ये थी कि वो हमेशा हॉकी को स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स लवर थे, उन्होंने हॉकी के लिए स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ किया और जॉब्स भी क्रिएट की, नई जॉब्स क्रिएट की, हर डिपार्टमेंट पर ये पाबंदी लगाई कि वो हर साल पांच लड़के स्पोर्ट्स के, खासतौर से जो इंटरनेशनल क्रिकेट और हॉकी खासतौर से, उसके बाद फुटबॉल भी, 5 लड़के ले सकते हैं। तो ज्यादातर चूंकि हॉकी उस वक्त जमाने बहुत खेली जा रही थी और पॉपुलर थी, इसलिए ज्यादातर सबने पूरे पूरे डिपार्टमेंट जिसमें बैंक्स थे, सारे बैंक 4-5-6 उन सब ने टीमें बनाई अपनी, फिर केपीटी ने बनाई, फिर वापडा की अभी ऑलरेडी टीम थी,
लेकिन ये नई टीमें जो थी वो भी आती रही और बनी। कस्टम्स की पीआईई की टीम जो बनती थी उस पर भी इन्होंने स्पेशल रिलीफ दिया लड़कों को, और हमारी स्पोर्ट्स की बड़ी उन्होंने जॉय की। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए जनरल जिया साहब के जमाने में ज्यादा हम टूर्नामेंट जीते। बिल्कुल असम भाई, आपने बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है जब मैं आपके साथ इंडिया में वर्ल्ड कप में था, तो आप जहाँ कहीं भी जाते थे आपको लोग फॉलो करते थे, लेकिन आजकल के प्लेयर्स को कोई भी नहीं देखता या कोई भी आइडेंटिफाई नहीं होता, इसकी क्या वजह है? एक तो हॉकी इतनी पॉपुलर नहीं रही जितने हमारे जमाने में होती थी, पाकिस्तान में खासतौर से, हॉलैंड में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में तो आज भी बहुत पॉपुलर है, वहाँ पे बच्चे फॉलो करते होंगे, लेकिन हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ इनको इनको फॉलो करना चाहिए, हमारे जो पाकिस्तान टीम के लड़के हैं उनको देखना चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैंने कई चीज़ें नोट की हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि उनको फकदान है, उनकी उनमें कमी है सीखने की, सीखना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। मैंने किसी को नहीं देखा जो मैं मेहनत करता था, एक्स्ट्रा हिटें लगाना या पेनल्टी कॉर्नर पे हमारे जो फुल बैक्स थे या जो सुहेल अब्बास लगाता था, ये इनमें इनमें वो जज्बा मैंने नहीं देखा एज ए मैनेजर जब मैं था। मैं इनको कहता था कि यार आप एक्स्ट्रा आके क्यों नहीं मेहनत करते, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं। वो पाकिस्तान खेल के जब मुझे टीम से ड्रॉप किया, मैं 79 में, आपको बताऊं मैं जब टीम में था, मुझे 1980 में ड्रॉप कर दिया, तो सब मेरे पास आते थे, कहते यार तुम सबसे अच्छी हो तो मैं निकाल दिया। तो मैं ये सोचता था कि यार मुझे आखिर सिलेक्शन कमेटी ने निकाला है, तो मैं अगर वापस आऊंगा तो मैं अगर वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन जाऊं फिर मुझे कैसे निकालेंगे, फिर मुझे नहीं निकाल सकते ये। तो मैंने उसी तरह से डबल नहीं बल्कि चार गुना मेहनत की, मैंने दिन रात मेहनत की, और 80 पूरा मुझे टीम से नहीं, कैंप में भी नहीं रखते थे, लेकिन मैंने इंडिविजुअली मेहनत की और 81 में मुझे इन्होंने दोबारा बुलाया, और फिर मैंने वही जो मैं सोचता था कि मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूँ, अल्लाह ने मुझे वो मुकाम दिया और मैं फिर टीम से नहीं निकला। तो ये सोच होनी चाहिए इन बच्चों की भी कि वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी बनना चाहिए उन्हें, और अगर अल्लाह ने चांस दे दिया है जब पाकिस्तान टीम में आ सकता है कोई, तो वो दुनिया की बेहतरीन टीम में भी आ सकता है। तो ये सोच के मेहनत करें इंशाल्लाह, और मेरा ईमान है, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत नहीं करते हमारे बच्चे, ये ज़रा प्रॉब्लम है। हमारे वक्तों में क्योंकि स्कूल लेवल पे हम मेहनत शुरू कर देते थे, हमें वहाँ डर हो जाता था कि मेरे साथ तो चार चार सेंटर फॉरवर्ड हैं, यार ये तो कोई भी मुझे रिप्लेस कर देगा, मैं तो स्कूल टीम से बाहर हो जाऊंगा। तो मैं मेहनत करता था, इस तरह वो भी मेहनत करते थे, और जो उनमें से हमें सब में बेस्ट होता था वो आ जाता था। तो ये एक मेहनत जो है और डर जो है वो उनको होना चाहिए। अब हमारे पास इतने लड़के नहीं है, शायद इन बच्चों को ये डर नहीं है, लेकिन इनको जीत का मजा नहीं है अभी। जिस दिन जीत का मजा होगा ये हारना नहीं चाहेंगे। कोई एक मैच मैंने जिंदगी में शायद सेमीफाइनल और फाइनल हारे जब मैं खेलता था, और हम इतना अफसोस करते थे कि हम सेकंड क्यों आए, हम नंबर वन क्यों नहीं आए। तो ये सोच होनी चाहिए हमारे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हम पे बहुत करम फरमा था, और अल्लाह ताला ने हमें एशियन चैंपियन भी बनाया, एशियन गेम्स भी बनाए, एशिया कप के भी टाइटल मिले हमें, हमें वर्ल्ड कप भी जिताया, हमें ओलंपिक भी जीते हम। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, हमने सारे टूर्नामेंट जीते और हमारी मेहनत थी इसमें, और ये हम चाहते थे कि हर दफा के हम नंबर वन रहें। बीच में हम टूर्नामेंट हारते भी थे, लेकिन हम उसको दोबारा से अपने आप को रिवाइव करते थे और नंबर वन ही आने की कोशिश करते थे, और अल्लाह का उसमें हम पर मेहरबानी होती थी कि हम नंबर वन हो जाते थे। असन भाई ऐसे है, जब कभी मैं ख्वाजा ज़क्कास साहब के साथ होता था तो वो मुझे ना आपके बारे में दो तीन तीन घंटे बताते रहते थे कि यार असन 3 बजे आते होते थे गर्मियों में, और तकरीबन 3 बजे से लेके 4-4:30 बजे ट्रेनिंग करते, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? आवाज आपकी कट गई। असन भाई ऐसे है कि ख्वाजा ज़क़ाउद्दीन साहब जो आपके मैनेजर और हेड कोच होते थे, वो कई मरतबा मुझे बता चुके हैं आपके बारे में कि आप गर्मियों में भी ना 3 बजे आपको ट्रेनिंग करवाते थे, बाकी टीम 4-4:30 बजे आती थी लेकिन आप 3 बजे आते थे। जी हाँ, देखें उनकी मेहनत थी ना, ये उनको पता था कि ये मेहनत करेगा तो ही गोल करेगा। अब मैं ओलंपिक में या वर्ल्ड कप में गया हूँ तो मैं आंख बंद करके कहता था कि मेरी आंखों में पट्टी बांध दो तो मैं उसी जगह मारूंगा जहां मैंने प्रैक्टिस की है, इतनी प्रैक्टिस हम करते थे। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, जगह साहब खुद गर्मी में खड़े होते थे
और मुझे मेरे पर बॉलें फेंकते थे हर डिफरेंट एंगल से, मुझ पे हिटे मारते थे। फिर उसके बाद कली मुल्ला भी हमें बाद में ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन मैं एक घंटा सुबह भी करता था अलग से, जब सब चले जाते थे तो मैं अकेला, मैं और दग्गा साहब होते थे और मैं मेहनत कराते थे। और इसी तरह मुझे शाम में भी 4 बजे अगर लड़कियों ने आना है तो 3 बजे, और 3 बजे आना है तो मैं 2 बजे ग्राउंड पे होता था। और मैंने मेहनत की इसी तरह ही, और अल्लाह ने मुकाम भी दिया और इज्जत भी दी और नाम भी दिया। असल में ऐसे है, 14 अगस्त 2020 आ रहा है, आप कौम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? COVID-19 की वजह से भी, वैसे भी अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो काइंडली मैसेज दीजिएगा प्लीज। जी, मैं ये कहूँगा कि 14 अगस्त बहुत जोश खरोश से हम मनाते हैं पाकिस्तानी कौम, और एक जिंदा कौम की ये निशानी होती है कि वो अपनी जो आज़ादी है वो जोश खरोश से मनाए। हमारी कौम भी उसी तरह जोश खरोश है और एक जिंदा कौम है। और मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा SOPs का ख्याल करें लोग, और दूर रहें थोड़ा सा अपने आप को। अब जबकि हमने कोविड पे भी इस कौम ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के होते हुए हमने इस कौम पे हमने काबू पाया है कोविड पे, अब इसको मजीद हम क्योंकि अभी ये गया नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए हमें पूरा कवर करना चाहिए, 6 फुट दूर रहना चाहिए एक दूसरे से, और मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहने हम, ताकि वो बीमारी जो है वो उसके हमने जितने फाइट की है उस पर हम कायम रहें और उस बीमारी को हम जड़ से खत्म करें। असल में एक आखिरी क्वेश्चन, मुझे याद है 1982 की एशियंस गेम में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा इंदिरा गांधी स्टेडियम में थी जो उड़ के चली गई थी, कोई वाकया कोई ऐसा हुआ था जो मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना था, तो आप अगर कुछ याद है तो काइंडली शेयर कर सकते हैं आप प्लीज। बिल्कुल, ये इंदिरा गांधी साहब आई थी प्राइम मिनिस्टर, और उनके बेटे जो है उन्होंने हमें बताया था, वो हमारे साथ क्योंकि एशियन गेम के इंचार्ज थे, वो उनसे मेरी बहुत दोस्ती भी हो गई थी और मुलाकात भी बहुत रही एशियन गेम्स में। तो वो ये कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर आएंगी और गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया लेगा, तो मैं उन्हें कहता था राजीव गांधी को साहब को कि नहीं, गोल्ड मेडल तो हमें ही मिलेगा, आप प्राइम मिनिस्टर को ले आए, जिसको भी ले आए हम ही जीतेंगे। और यही हुआ कि हमने जब एक गोल दो गोल, उनको गो तो पूरी उम्मीद थी, और इंडियन टीम बुरी टीम नहीं थी, अच्छी टीम थी, उस दिन उनकी इतनी बैड लक हुई कि जो हमने ट्राई की हमने 7 के 7 गोल किए, 7-1 हम जीते, और जबकि इंडिया ने पहले गोल कर दिया था, तो बड़ा जोश जज्बा था उस वक्त लोगों में, प्राइम मिनिस्टर भी बहुत खुश थी उनकी उस वक्त तक। लेकिन बाद में जब हमने बराबर किया और 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 पे वोट के चली गई कि अब मैं गोल्ड मेडल नहीं दूंगी, और क्या मुझे इसलिए बुलाया गया कि मैं इस इतनी बुरी टीम को जो है ना वो देखूं मैच, तो वो उठ के गुस्से में चली गई थी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात थी उनके लिए, बेचारों के लिए, इंडियन टीम के लिए, कि अपने मुल्क में खेलते हुए दिल्ली में वो इस बुरी तरीके से हारे हमसे, जबकि जफर इकबाल जो थे हमारे दोस्त भी थे और कैप्टन भी थे इंडिया के, तो उनसे मैं कहता था यार मुझे सिर्फ ये खुशी है कि मैं 7-1 जीता, लेकिन तुमसे, तुम कप्तान थे तो ये अफसोस भी हुआ कि इतनी बुरी तरीके से हारे।